सत्ता के नशे में पागल हुए भाजपाई खुलेआम पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। भाजपा नेता लोकेश गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी को अगर फिरोजाबाद में रहना है तो हमें सलाम करना ही पड़ेगा। लोकेश गुप्ता कह रहे हैं कि जहां शिकायत करनी है कर दो, मेरा जो उखाड़ा जाएगा उखाड़ लो। उन्होंने कहा ऐसे ही चलेगा फर्जी शिक्षा संस्थान, जो करना है कर लो, और वहीं अधिकारियों के लिए भी अपशब्द कहे। भाजपा नेताओं की गुंडई के आगे प्रशासनिक अधिकारी नतमस्तक हुए हैं। भाजपा नेता लोकेश गुप्ता बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से अवैध कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। वहीं खबर बनाने पर रिपोर्टरों को धमकाया तथा खबर रोकने के लिए दबाव भी बनाया। भाजपा नेता ने कहा अगर अधिकारी को फिरोजाबाद में रहना है तो झुककर सलाम करना पड़ेगा, लोकेश गुप्ता नाम है मेरा। वहीं इस घटना से देखा जा सकता है कि किस प्रकार भाजपा के छुटभैये नेता सत्ता के नशे में चूर हुए हैं। अरे गुप्ता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया। कौन? करण बोल रहा हूँ भैया, जो सुबह आया था मैं। हाँ हाँ। अरे गुप्ता जी किसको नंबर दिया था भैया आपने हमारा? मैंने भैया कहा हुआ ना दोस्त हमारी कसम है, मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। अरे आपको कोचिंग के रेफरेंस है भैया, वहाँ पे गए थे आप, खबर बना के लाए थे, क्या हुआ? किन के आ रहे हैं? किसी को आपने नंबर दिया था, आपका नाम ले रहा था वो लोकेश जी ने दिया। कौन आप नाम तो होता, कौन किसका फोन आया? राहुल करके नाम बता रहे थे। राहुल हिंदुस्तान से? नहीं नंबर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सिचुएशन थी वो नहीं आपने बताया, इसलिए मैंने फोन किया। मैं ऐसे एक्चुअली खबर लगा रहा हूँ, और मैंने उनको भी बताया था कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उन्होंने ये बात कबूली। हमारे पास आप मेरी खबर बेधड़क होके लगा दो, ठीक है? दिक्कत नहीं है। नहीं अधिकारी सुनो, अगर आपके में रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मुझसे कोई फर्क नहीं है। अधिकारी को जिले में रहना होगा तो 36 बार झुक के सलाम करनी पड़ेगी। लोकेश गुप्ता नाम है। अच्छा अच्छा। अगर दुनिया भंगी है तो मैं सर्वभंगी हूँ। अच्छा अच्छा। बस बोला अधिकारी आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। जी सर, क्या नाम है आपको? मेरा नाम लोकेश कुमार गुप्ता है। लोकेश जी, यहाँ जो संस्था चल रही है क्या नाम है उसका? अल्बर्ट रॉय एजुकेशन। तो कब से चल रही है ये? अभी इसी साल प्रारंभ की है, और जो भी समस्या सूरत की कोचिंग सेंटर। तकरीबन कितने बच्चे सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, और कितने बजे स्टार्ट होती है कोचिंग, कितने बजे? इस समय पूरे दिन में केवल 50-60 बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अभी आपने देखा था सूरत में कांड हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ डीआईएस मैम का एक दौरा हुआ था, निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ निर्देशन वगैरह दिए गए थे। उन्होंने निर्देशन दिया है, उस निर्देशन पर आज हमने ठेकेदार भी बुलाया है। दो झीने होने चाहिए, निकलने के रास्ते दो होने चाहिए, वो सब काम कराया जा रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि इस 18 फुट चौड़ी सड़क पर एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। क्या मैं ये अधिकारी जी से पूछूंगा ना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब उनकी गाड़ी अंदर आ सकती है क्या एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती? जो उन्होंने नोटिस में भेजा है सभी कोचिंग सेंटरों को कि इस गली में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, ऐसा इस गली में क्या है? जबकि फैंसी लाइट का काम इस गली में चलता है, मेटाडोर में माल लद के अंदर से जाता है, तो फायर ब्रिगेड अधिकारी ऐसा क्या देख के गए इस गली में? क्या अधिकारी के गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती? सर कितने सिलेंडरों की आपके लिए रिक्वायरमेंट बताइए थी मैम के द्वारा? हमको 3 सिलेंडरों की बताई है, लेकिन कितने प्रेजेंट है एट ए टाइम? अभी 2 आ चुके हैं, और 3 हमने उन्होंने हमें 3 बताई है, लेकिन हम 5 अपनी कोचिंग सेंटर में लगा रहे हैं। कितने तारीख को आपको निर्देशन दिया गया था इस चीज के लिए? निर्देशन हमको परसों दिया गया था, उससे पहले ही हमारा एक आ चुका था, और हमने बोल दिया है क्योंकि हमारी आगरा भी फैक्ट्री है, उसमें एक्स्ट्रा है, वहाँ से आ रहे हैं। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने कोचिंग का? 50 बच्चों। अभी तकरीबन कितने बच्चे पूरे दिन में आपके यहाँ आ जाते हैं? इतने ही पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। जितना हमारा रजिस्ट्रेशन है उतना ही हम पढ़ाएंगे, अगर बच्चे हमारे बढ़ेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन बढ़वाएंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।